यूक्रेन पर रूस के कामो 52 हेलीकॉप्टर के अटैक का एक वीडियो सामने आया है, वो दिखाते हैं आपको। K-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया। ट्विन सीटर अटैक हेलीकॉप्टर K-52, इसने यूक्रेन के हथियार और सैनिकों को ले जा रहे व्हीकल को निशाना बनाया। लगातार रूस की सेना इस हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और जमकर कहर बरपा रहा है। हेलीकॉप्टर यूक्रेन को जवाब देने के लिए ये वीडियो रिलीज किया गया है रूस की तरफ से। तबाही और बर्बादी के बीच यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग अपने चरम पर है। जीत के लिए दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एक से बढ़कर एक आधुनिक और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच रूसी सेना में टॉस वाने थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर के एक्शन ने तहलका मचा दिया। टॉस वाने थर्मोबैरिक सिस्टम से रूसी अटैक से यूक्रेन भी खौफ में है। यूक्रेन को डर है कि ये रूसी हथियार यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। यूक्रेन कई बार रूस पर खतरनाक थर्मोबैरिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुका है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस टॉस वन रॉकेट लॉन्चर के जरिए थर्मोबैरिक बम से हमले कर रहा है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर रूसी सेना इस बम का इस्तेमाल कर रही है। दावे के मुताबिक अवदीवका में रूसी सेना लगातार टॉस वन रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमले कर रही है और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है। आपको बता दें कि टॉस वन थर्मोबैरिक रॉकेट को वैक्यूम बम भी कहते हैं। ये बम हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर देता है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर सवाल उठते रहे हैं। और जंग के 100 दिनों के बाद भी जारी है हमले, रूस के खिलाफ जारी है यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रॉकेट लॉन्चर से किए ताबड़तोड़ हमले, हमले का वीडियो शूट करता हुआ दिखा यूक्रेनी सैनिक। अरे भाई साहब, रूसी सेना ने K-52 हेलीकॉप्टर से किया अटैक, यूक्रेन के कई टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस ने जब से अपने सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर को जंग के मैदान में उतारा है, ये कहर बरपा रहा है। हर मौसम में आसमान से आग बरसाने वाला ये जंगी हेलीकॉप्टर वैसे तो कई बार यूक्रेन का शिकार बन चुका है, लेकिन एक दो हमले से रूस का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लिहाजा रूसी के A-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर एक बार फिर से एक्शन में है। रूसी इससे जमीन पर मौजूद अपनी सेना की मदद कर रहा है और ये मदद एक के बाद एक हमलों को अंजाम देकर की जा रही है कि A-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर तबाही बरसा रहा है। जंग के 101वें दिन रूस की आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने K-52 हेलीकॉप्टर से अटैक करके यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर डाला। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। K-52 हेलीकॉप्टर गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल से जमीनी ठिकानों पर वार करते हैं। दावा किया जाता है कि इनके हमले कभी खाली नहीं जाते। यूक्रेन के उन किलों को ध्वस्त करने के लिए रूसी सेना लगातार विध्वंसक हमले कर रही है जहां अभी यूक्रेन की पोजीशन मजबूत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।